नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो हम बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आपने फिलअप किए हैं 22-23 हो सेशन या आपका 23-24 हो, उस सब स्टूडेंट के लिए काफी बड़ी अपडेट आया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक न्यूज कटिंग बहुत ही वायरल हो रहा था जिसमें कि बताया गया है कि स्टूडेंट का पेमेंट कब जारी किया जाएगा। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट स्टेटस में अगर पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा है, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट कब जारी किया जाएगा। और बात करेंगे जिस भी स्टूडेंट का मतलब अभी तक स्टेटस में कुछ बदलाव नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सभी का स्टेटस में कब चेंज होना शुरू हो जाएगा जिसका पेंडिंग बता रहा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। चलिए सबसे पहले मैं जो न्यूज कटिंग है उस न्यूज कटिंग में बताता हूँ कि न्यूज कटिंग में क्या बताया गया है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो लिखा है छात्रवृत्ति के लिए 1101.78 करोड़ राशि स्वीकृत। यानी इसके कहने का मतलब है कि इतना राशि छात्रवृत्ति के लिए डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया, जिसमें कि लिखा हुआ है पटना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के शिक्षा विभाग को कुल 1101.78 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। यानी आपको कल्याण विभाग में 1178 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया। इसके कहने का मतलब है अगर किसी भी स्कॉलरशिप के तहत फॉर्म फिलअप किए हो, बिहार पोस्ट मैट्रिक हो या तो एनएसपी स्कॉलरशिप हो या तो 10 पास स्कॉलरशिप हो या इंटर पास स्कॉलरशिप हो, किसी भी स्कॉलरशिप के तहत आप फॉर्म फिलअप किए गए हैं तो अगर आपका स्टेटस में रेडी टू पेमेंट बता रहा है, अगर आपको डिपार्टमेंट सेंड टू पेमेंट बता रहा है, पेमेंट फॉर डिपार्टमेंट बता रहा है, तो उस सभी स्टूडेंट को एक सप्ताह के अंदर पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिएगा लिखा है कि परीक्षण केंद्र में संचालन के लिए कुल 8.41 करोड़ आवंटित हुआ गया। विभाग मंत्री हरी सहनी द्वारा निर्देशन दिया गया है कि स्वीकृत राशि जल्द ही जल्द डीबीटी के माध्यम से लाभधारियों को बीच में वितरित किया जाए। इसका कहने का मतलब है जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं किसी भी स्कॉलरशिप के तहत स्थानक पास हो या तो बिहार पोस्ट मैट्रिक किसी भी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किए हैं उसके अकाउंट में पेमेंट जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए डीबीटी के माध्यम से। एंड डीबीटी जिसका कि आप लोग को बता दें डीबीटी के माध्यम से पेमेंट जारी किया जाता है, जिसका बैंक अकाउंट आधार से सीडेट होगा उसी का बैंक अकाउंट में पेमेंट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वित्त वर्ष 24-25 के CM पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तथा योजना के तहत 875 करोड़ की मंजूरी दिया गया। यानी जो स्टूडेंट न्यू फॉर्म फिलअप करने वाले हो उसके लिए भी बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। जो 24-25 के लिए अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी 24-25 के लिए भी फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, देखो यह राशि कब मिला जाएगा, जो कि आपके डिपार्टमेंट के पास पेमेंट तो पहुंच चुका है, तो आपका राशि कब दिया जाएगा। देखो आपका राशि जिस भी स्टूडेंट का है अगर पेमेंट स्टेटस में पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा है, किसी भी स्कॉलरशिप के तहत फॉर्म फिलअप किए हैं, उस सभी स्टूडेंट का एक सप्ताह के अंदर या तो 15 दिन के अंदर में आप लोग के अकाउंट में पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। यह आपने न्यूज कटिंग में देखा, न्यूज कटिंग में बताया गया कि विभाग के पास आपका पेमेंट मतलब राशि भेज दिया गया है, अब सिर्फ विभाग द्वारा पेमेंट जारी करने का इंतजार है। बहुत जल्द जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट सेंटर फॉर डिपार्टमेंट बताएगा, बहुत जल्द सभी स्टूडेंट को पेमेंट बहुत जल्द मिल जाएगा। किसी भी स्कॉलरशिप के तहत आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग का बहुत जल्द पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। और बात कर रहे थे जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट पेंडिंग बता रहा है, नहीं पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है, और किसी भी स्टेटस में अगर पेंडिंग बता रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका स्टेटस में बदलाव नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा, तो आप लोग वेट ही कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना रहता है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय।